यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अपने ही नेताओं ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा कर रख दी हैं। ये आलम खासकर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण ने इस नारे का विरोध किया, तो वहीं अपने ही नेताओं के पार्टी के विरोध में सुर जाते देख महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी। एनआई से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अजित पवार और पंकजा मुंडे ने इस नारे पर आपत्ति जताई है, तो देखिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। योगी जी के बयान के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके एक सहकर्मी हैं अजीत पवार जी, उन्होंने कहा इसके लिए जगह नहीं है। पंकजा भी कहती है कि इसके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्फ सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। और जो प्रधानमंत्री का जो नारा था कि एक हैं तो सेफ हैं, आपने कहा ये महामंत्र है, महामंत्र क्यों कहा आपने इसके बारे में? इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने समाज को एक रखने के लिए जो मंत्र दिया है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास होगा। आप कौन अलग कर रहा है हमको? कांग्रेस बांट रही है। अपने सहयोगी घटक दल और अपनी ही पार्टी के विरोध को फडणवीस ने ये कहते बीच बचाव किया कि या तो ये जनता की भावनाएं नहीं समझ पाए, या ये लोग इस नारे का मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते वक्त वो कुछ और कहना चाह रहे थे और अर्थ कुछ और ही निकला। यूपी के सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे नारे पर खूब सियासत छाई है। यूपी में पोस्टर वॉर देखी गई। अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा दिया, तो वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने इस नारे को गलत ठहराया। जब इसके बारे में अशोक चव्हाण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, चुनाव के समय नारे दिए जाते हैं, ये नारा सही भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लोग भी इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत तौर से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में नहीं हूं। बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध करने वाले नेताओं में महायुति के एक बड़े नेता का नाम भी शामिल है और वो है अजित पवार। अजित पवार भी इस नारे का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारा काम नहीं करेगा। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा, मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि ये महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा, हो सकता है ये यूपी, झारखंड या दूसरी जगहों पर काम करता हो। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का समर्थन नहीं किया। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी की MLC पंकजा मुंडे ने कहा, सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है, मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उस पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे जोर शोर से गूंज रहा है। साथ ही इस नारे पर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज है। दरअसल इस नारे पर महायुति के नेताओं के बीच ही तकरार है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई कहता है कि ऐसे नारों की जरूरत नहीं है।
वैसे ऐसे में एक बात तो साफ है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की विचारधारा को लेकर बीजेपी में एकजुटता नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।